हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से भारत की शीर्ष 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों के बारे में पूर्ण विवरण इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंचनजंगा चोटी। दोस्तों हम लोग यहाँ पर ऊंचाई के अनुसार शीर्ष 10 चोटियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिसमें सबसे पहला है कंचनजंगा चोटी, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह हिमालय के एक हिस्से में समुद्र तल से 8586 मीटर यानी 28169 फीट की ऊंचाई पर है, जिसे कंचनजंगा हिमालय कहा जाता है, जो पश्चिम में तमोर नदी और पूर्व में तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। कंचनजंगा पर्वत पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम में स्थित है। दूसरी चोटी नंदा देवी चोटी, जिसकी ऊंचाई 7816 मीटर है, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी में से एक है और यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह पूरी तरह से भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी है, क्योंकि कंचनजंगा भारत और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित है। तीसरा कामेट चोटी, जिसकी ऊंचाई 7756 मीटर है, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कामेट उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में चस्कर पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कामेट गढ़वाल हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कामेट पर्वत चोटी तीन प्रमुख पर्वत चोटियों से घिरा हुआ है और यह तिब्बत के पास स्थित है। चौथा साल्टोरो कांगड़ी चोटी, जिसकी ऊंचाई 7742 मीटर है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। साल्टोरो कांगड़ी साल्टोरो पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, जो काराकोरम को एक उप श्रृंखला है। साल्टोरो पर्वत ग्रेट काराकोरम के केंद्र में स्थित है और दुनिया के सबसे लंबे ग्लेशियरों में सियाचिन ग्लेशियरों के निकट स्थित है। यह दुनिया की 31वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। पांचवा ससेर कांगड़ी, जिसकी ऊंचाई 7772 मीटर है। स्थान जम्मू और कश्मीर। ससेर कांगड़ी पांच राजसी पर्वत चोटियों का समूह है। यह इन पांचों में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह जम्मू और कश्मीर राज्य के ससेर मुज तक श्रृंखला में स्थित है। यह भारत की 5वीं सबसे ऊंची चोटी है और दुनिया में इसकी 35वीं रैंक है। छठवा ममस्तोक कांगड़ी चोटी, जिसकी ऊंचाई 7516 मीटर। स्थान जम्मू और कश्मीर। ममस्तोक कांगड़ी ग्रेट काराकोरम रेंज की उप श्रृंखला रिमो मुस्तांग का सबसे ऊंचा पर्वत है। ममस्तोक कांगड़ी सियाचिन ग्लेशियर के सुदूर इलाके में स्थित है। ममस्तोक कांगड़ी दुनिया की 48वीं सबसे ऊंची चोटी है और भारत की 6ठी सबसे ऊंची चोटी है। सातवां रिमो चोटी, जिसकी ऊंचाई 7385 मीटर है। यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। रिमो माउंटेन काराकोरम रेंज की रिमो मुजताक के उत्तरी ओर स्थित है। रिमो पर्वत श्रृंखला में चार चोटियां हैं। रिमो एक उनमें सबसे ऊंची चोटी है। यह उत्तर पूर्व के रिमो पर्वत और काराकोरम दर्रा के उत्तर पूर्व में स्थित है, जो मध्य एशिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है। आठवां हरदोल चोटी, जिसकी ऊंचाई 7151 मीटर और यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। हरदोल को भगवान का मंदिर टेम्पल ऑफ गॉड भी कहा जाता है, जो अभयारण्य के उत्तरी तरफ स्थित कुमाऊं हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटी में से एक है और नंदा देवी की सुरक्षा करता है। यह उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले की मिलम घाटी में स्थित है। चोखंबा चोटी, जिसकी ऊंचाई 7138 मीटर, यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में स्थित पहाड़ों के समूह में चोखंबा पर्वत चोटी सबसे ऊंची चोटी है। गंगोत्री ग्रुप की चार चोटियां हैं और चोखंबा एक उन चार चोटियों में सबसे ऊंची है। चोखंबा पर्वत नाम चार बड़ी चोटियों के एक दूसरे के साथ मिलने के कारण रखा गया है। लास्ट त्रिशूल चोटी, जिसकी ऊंचाई 7120 मीटर एवं यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस समूह का सबसे ऊंचा पर्वत त्रिशूल एक है। पर्वत का नाम हिंदू देवता शिव के त्रिशूल अस्त्र पर रखा गया है। त्रिशूल पर्वत शिखर नंदा देवी अभयारण्य के पास स्थित है। त्रिशूल की ऊंचाई 7120 मीटर है।
और दोस्तों फैक्ट्स की बात करें तो माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो कि नेपाल में स्थित है, इसका शिखर समुद्र तल से 8848 मीटर यानी 29,029 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। धन्यवाद दोस्तों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से भारत की सबसे ऊंची 10 चोटियों के बारे में चर्चा की है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।